सर, कतर कोर्ट ने 8 इंडियंस जो कि एक्स नेवी सोल्जर्स रह चुके थे उनको डेथ पेनालिटी दी है। सरकार इसको लगातार कंडेम कर रही है, अपोजिशन भी मांग कर रही है, लेकिन क्या कहना चाहेंगे आप? कतर से इतने पुराने और अच्छे रिश्ते हैं भारत के, वहां के बादशाह से क्यों नहीं बात की मोदी जी ने? बनते तो विश्व गुरु हैं। और हमारी भारतीय नौसेना के 8 पूर्व अधिकारियों को 1 साल से चल रहा है, कहां सो रहे थे मोदी जी? कहां सो रही थे आपके विदेश मंत्री? क्यों नहीं आपने किया? अब भी वक्त है इसके पहले कि वो फांसी पे लटकाए जाएं। कतर के बादशाह से 1-to-1 बात करनी चाहिए, कूटनीतिक स्तर पे, राजनीतिक स्तर पे, अगर जरूरत पड़े तो आसपास के देशों से संपर्क करके दबाव डाला जाना चाहिए कि उनको हर हाल में फांसी ना हो। ये बात उठी थी लोकसभा में भी, हमने अपनी चिंता से अवगत कराया था, परंतु ये सरकार सो रही थी। इस सरकार में विदेश नीति का अनुभव विदेश सचिव रहे व्यक्ति से तो है, पर बड़े निर्णय जहां जरूरत प्रधानमंत्री जी की है वहां शून्य है मामला। तो मैं याद दिला दूं आपको, अभी प्रधानमंत्री जी गए थे कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, और वहां से फ्लाई करके यहां लैंड भी नहीं किए और तमाम बच्चे निकाल दिए गए यूनिवर्सिटीज में भारतीय छात्रों को। तो ये बनते तो विश्व गुरु हैं, आज इन्होंने भारत की विदेश नीति को सबसे कमजोर कर दिया।